सरकार ने हरिलाल पटवा, महेंद्र कुमार शर्मा, नरेंद्र कुमार शर्मा, राजेंद्र कुमार शर्मा, अध्यक्ष कॉलेज तिवारी, उपाध्यक्ष त्रिपाठी, सचिव कॉलेज तिवारी, ये जिलाध्यक्ष संघ का चुनाव इस बार काफ़ी कशमकश कस रहा। हमारे छोटे भाई नारायण कन्नौजी जी हमारे प्रतिनिधि रहे हैं, लेकिन अधिवक्ता साथियों ने जो मुझ पर विश्वास पुनः विश्वास जताया है, मैं उन सभी को आश्वासन देना चाहूँगा, बल्कि विश्वास दिलाना चाहूँगा कि मैं इस बार जैसा वो चाहेंगे वैसा ही काम होगा, अधिवक्ता हित में काम होगा, जिला अधिवक्ता संघ के हित में काम होगा, और ऐसा कोई काम नहीं होगा जिससे संघ का किसी प्रकार से विपरीत असर पड़े। जब अधिवक्ता संघ राजनांदगांव के उपाध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित किया गया है, मैं सभी सीनियर जूनियर मेरे छोटे भाई बड़े भाई सबके आशीर्वाद से मैं ये चुनाव जीता हूँ और मैं सबको दिल से धन्यवाद देता हूँ। मैं इस चुनाव में ये बोलना चाहूँगी कि चौधरी जी व्यवहार कुशल हैं और सभी को साथ लेकर चलने वाले हैं और अपने अधिवक्ता संघ के पीछे एकदम कर्मठ कार्यकर्ता हैं और अधिवक्ता संघ के लिए हर कार्य में आगे बढ़कर कार्य करने वाले हैं और सभी महिलाओं के लिए भी और मतलब अधिवक्ता संघ के जेंट्स लोग को भी सभी को लेकर एक साथ उनके बातों को ध्यान में रखकर वो कार्य करते हैं, किसी एक के लिए वो कोई कार्य नहीं करते हैं। अधिवक्ता संघ के संबंध में बोलूँगी कि वो चौधरी जी अधिवक्ता संघ के ऊपर वो समर्पित है। मैं तो सर्वप्रथम इस जीत के लिए मेरे समस्त वरिष्ठ अधिवक्ताओं का, मेरे साथी अधिवक्ताओं का एवं मेरे कनिष्ठ अधिवक्ताओं का, सभी अधिवक्ताओं का सहयोग मुझे प्राप्त हुआ, इसने प्राप्त हुआ, आशीर्वाद के रूप में वोट प्राप्त हुआ, इसलिए मैं उनको हृदय से धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ। साथ ही ऐसे लोगों का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग प्रदान किया। और हमारे जो नई जिला कार्यकारिणी बनी है, हमारे जिलाध्यक्ष श्री मनोज चौधरी जी के नेतृत्व में हम सब अधिवक्ताओं के हित में कार्य करेंगे और एक अच्छा संदेश अधिवक्ता संघ के माध्यम से पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश को देंगे, अधिवक्ताओं के हित में कार्य करेंगे, ऐसा हम सब संकल्प लेते हुए अपना विजय श्री को प्राप्त किए हैं। आज जो चुनाव हुआ उसमें कुल 472 मत पड़े थे 548 में से, जिसमें मनोज कुमार चौधरी को 192 अध्यक्ष पद में, मनोज कुमार चौधरी को 192, नारायण कन्नौजे को 178 और मौलेश तिवारी को 28 वोट मिले। इस प्रकार अध्यक्ष पद पर मनोज कुमार चौधरी विजयी घोषित हुए। उपाध्यक्ष पद पर अशोक रजक को 170, देवेश दत्त वैष्णव को 167 और अवैध मत 15 रहे। सचिव पद पर राजेश खांडेकर विजयी रहे।
कार्यकारिणी में कुल 6 प्रत्याशी थे, जिनमें से 5 प्रत्याशियों को विजयी घोषित करना था, जिसमें भागवत साहू, हरिलाल पटवा, महेंद्र कुमार शर्मा, मनोज कुमार शर्मा, नरेश कुमार शर्मा विजयी घोषित हुए। उमाकांत भारद्वाज, मुख्य चुनाव आयुक्त, जिला अधिवक्ता संघ, राजनांदगांव।